अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं खड़ी हुई हूँ रोड पर और रोड पर आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मेरे पीछे है रोड और बहुत हाईवे रोड है तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, मुझसे नहीं दिख रहा है, गाड़ियाँ बहुत सारी हैं और आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो मैं निकली हूँ घर से कुछ लेने के लिए बाहर है, तो यहाँ पर मैं ऊबर बुला के खड़े हुए हैं, ऊबर का इंतज़ार हो रहा है। ये इसमें ऐसे दिख रहा है रास्ता कि वो आने वाले हैं, तो हम जो लेने आए हुए थे मार्केट के बाहर है खड़े हुए हाईवे रोड पर इंतज़ार कर रहे हैं ऊबर का। तो ये गाड़ियाँ जो है अभी इशारा बंद है तो ये गाड़ियाँ अभी थोड़ी देर के लिए स्लो हो गई हैं और फिर इशारा खुल जाएगा तो गाड़ियाँ हो जाएंगी। तो हम जो थे गाड़ी बस आने वाली है और हम एक जगह से दूसरी जगह को जाने वाले हैं। तो हम आए हैं आज एक पार्क में, पार्क है ये बिल्कुल थोड़ा सा घर के पास ही है, ये इसका गेट है मेरा और मैं खड़ी हूँ बाहर है, मैं अब कर रही हूँ तो ये रही मैं यहाँ और आप अंदर जा रहे हैं तो मैं अंदर की दिखा दूँगी, अपनी तो नहीं दिखाती मैं। फ्राइडे का दिन है और ये देखिए फैमिली बच्चे वाले ऐसे बाहर आके बैठ जाते हैं और इनके घर यहीं कहीं करीब में होंगे पास में तो आ जाते हैं लोग और ऐसे अपने नीचे कपड़े बिछा लेते हैं। कुर्सियाँ भी हैं, ये सब कुर्सियों पे है ज़्यादातर, और नहीं तो कुर्सी नहीं तो नीचे अपना दरा वरा बिछा लेते हैं। तो इस तरफ झूले हैं, ये मेरे इसकी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस तरफ बच्चों के झूले लगे हुए हैं ऐसे, ये बच्चे तो इस पे चले जाते हैं झूलों पर और अपने जो माँ बाप होते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से ये मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो दिन में हम बैठेंगे तो यहाँ छाए रहेगी, यहाँ भी झूले लगे हुए और सब बैठे हुए। इस पार्क में ये ही एक वो चीज़ बनाई है कि दिन में भी अगर आप बैठेंगे तो ये जहाँ झुके झुके ना जो पेड़ लगाए हैं वो बहुत ही नीचे वाली हाइट के लगाए हैं, बहुत ही नीचे, मतलब इसके नीचे बैठ जाओ और दिन में इसके नीचे बहुत लोग बैठे रहते हैं क्योंकि ये पार्क ना इस तरीके से पार्क गोल है तो वॉक करते हैं, इसकी जो फुटपाथ है ना ये गोल है, पूरा ऐसे गोल बनाया है, मैंने ऐसे करके दिखा दिया गोल, तो ये गोल है और इसकी फुटपाथ पे सब वॉक करते हैं तो वो सुबह में भी करते हैं, तो इसलिए ये पेड़ इस तरह के लगाए गए। और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मैं बैठ गई मेरी तरफ करती हूँ कि अंधेरा है क्योंकि ऊपर ऐसी कुछ छत सी बनाई है तो गर्मी में धूप से बचने को लोग बैठते होंगे, तो मैं अंधेरे के उसमें बैठी हुई हूँ और अभी आ गया थोड़ा सा थोड़ी सी लाइट ऊपर, तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए खाना पीना लेकर आ जाते हैं अपने, और अमान भी जा रहा है, यहाँ पर ट्रक लगे हुए हैं फूड ट्रक, तो फूड ट्रक पर जाएगा अमान, देखेगा अपने खाने का क्या है। तो अभी तो बजे हैं 9 भी नहीं बजे अभी ठीक से, तो यहाँ में हम पार्क में बैठे हुए थे और यहाँ पर फूड ट्रक लगे हुए हैं पार्क के किनारे पर, बराबर में बहुत सारे फूड ट्रक हैं जिसमें केक से लेके जूस कॉफ़ी और भी कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी उन्होंने, सब चीज़ के लगाए। तो हमने मंगाए विंग्स, तो चिकन विंग्स है ये, और इसके साथ में इन्होंने एक वाटर बॉटल दिया है, एक ये ऐसे हाथ में पहन के खाएँ ग्लव्स दिया और ये टीशू, और इसके अंदर हैं कुछ 20 पीस और ये हैं 29 रियाल के, और ये दिए हैं इन्होंने एक गार्लिक है और एक कैरेट है और इस पे सॉस डाली है कुछ बीबीक्यू सॉस है और बफेलो सॉस, तो ये इसमें इन्होंने मिक्स करके ऐसे डाल के दिए, इसके अंदर भर गई एक पानी की बोतल, तो ये दिया है हमें और यहाँ बैठकर हम खा लेंगे ऐसे ही पार्क में। तो यहाँ लोग खा ही रहे हैं, ये बैठे हुए सब अपने अपने जो फैमिलियाँ बैठी हुई हैं तो ये खाती रहती हैं ऐसे ही, ये कुछ ना कुछ खा ही रहे होंगे, इधर सब मिलाकर खाते रहते हैं, इस साइड में खा रहे होंगे, दिख रहे होंगे इनके सामान दिख रहे होंगे, देखो यहाँ वो रखे हुए और इनके सामान दिख रहे होंगे, हॉट पॉट रखे हुए, तो इस तरीके से सामान होता है। अब हम आ जाए तो हम जो एक सीट पर बैठे हुए, जो सीट यहाँ पर ऐसी लगी हुई रहती है इस तरह की सीट पत्थर की, तो दिखाई नहीं दे रही है, और मैं क्योंकि हमारे छत ऊपर छत है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं
बस हमें तो हवा ही चाहिए, तो ये सीट है और सीट पर हम बैठे हुए हैं। तो काफी रात हो चुकी है और हम बैठे हुए हैं इधर, और ये देखिए फुटबॉल से खेलते हुए जा रहे हैं ये, और ये अपने बच्चे के लिए खेल रहे हैं यहाँ पर अपने छोटे से बच्चे के साथ। तो इस तरीके से ये अपनी फैमिली और अपने बच्चों को खिलाते रहते हैं लोग। और पब्लिक थोड़ी सी चली गई है, बहुत कम हो गए हैं क्योंकि ये थोड़े से रह गए कुछ, और यह लाइट बहुत थोड़ी है, कम है। तो लाइट लगाने में तो कोई कमी करी नहीं है, लेकिन पेड़ बहुत है, पेड़ बहुत नीचे हैं। ये बहुत पुराना पार्क है, ये बहुत ही पुराना है, तब हम पहले आए थे इसमें आया नहीं करते थे, ऐसे ही पड़ा रहता था। अभी तो बच्चों वाले जो आसपास रहते हैं वो इसमें आ जाते हैं जो पास में रहते हैं। देखिए हमारे भी पास में है ये, लेकिन रोड है बहुत बड़े बड़े चार बीच में, तो चार रोड करके पार करके आना और कैसे भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ तक आना, तो इतनी दूर है ये हमें। और मैं अंधेरे में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर छत दिख रही है, लाइटों के नीचे मैं बैठी हूँ, और हर कोई अंधेरे में ही है क्योंकि लाइट और पेड़ों से कवरिंग हो रही है। ये देख रहे हैं पेड़ नीचे नीचे नीचे, ये बस ऐसे हो गए आम के पेड़ रहते हैं ना नीचे, और वहाँ पर पब्लिक बैठी है नीचे नीचे से। तो इस तरीके से है, और मैं कहीं ना कहीं लाइट में को अपना चेहरा ला रही हूँ। तो ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे फूड ट्रक हैं, और अमान और उनके पापा वो लेने गए हैं फूड ट्रक पर से, और अभी तो वो खाली हाथ आ रहे हैं, यानी कि ऑर्डर देकर आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं दोनों, और पैसे हाथ में लेके आइसक्रीम या कुछ खाते हुए आ रहे हैं, और इनका शायद ऑर्डर नहीं हुआ है। तो जो ये पार्क में लेने गए थे खाने का, वो तो मिला नहीं क्योंकि वो तो ट्रक लगे हुए हैं ना, ट्रक फूड ट्रक पे तो खत्म भी हो जाते हैं फ्राइडे के दिन। तो हम आ गए हैं बिल्कुल पार्क के पास ही, उसके पीछे ही होटल है रोमांशिया, तो उसमें हम खाने आ गए हैं। सभी कुछ है इसमें भी, बिरयानी है, कब्सा है और चीज़ें हैं। तो हम ऊपर है ये, और ये हमारा ही दुकान के आगे वाला ये रोड चल रहा है, और हम इसी होटल पे बैठे हैं, और ऊपर से नीचे का रोड दिखाई दे रहा है। तो अब रात 11 बज चुके हैं ना, तो अभी देखो जो भी मिला है हमने मंगा लिया है। तो ये है कब्सा मंदी है ये, तो बिरयानी मंदी का कुछ ऐसा है। तो ये हमें ये रात के टाइम पर यही मिला है इसके अंदर, क्योंकि लोग फ्राइडे में बहुत आ जाते हैं, रश बहुत हो जाता है, तो जल्दी खाना ख़त्म भी हो जाता है। तो ये लिए हमने मटन मंदी, तो मटन को देखो ग्रिल करते हैं ये दम पर, बस इसको धीमी आँच पर, कोई लोग के ऊपर या फिर मशीन भी रहती है ग्रिल वाली उस मटन का। तो ये है चिकन की भी होती है, ये है मटन मंदी, और ये है कुनाफा। तो कुनाफा बहुत ही लाइट मीठा होता है, बिल्कुल लाइट मीठा, तो कुनाफा हम बाद में खाएंगे, पहले हम ये खाएंगे बिरयानी। तो रात के टाइम पे हम यहाँ पर ये 11 बजे खा रहे हैं, रात का डिनर हो रहा है हमारा, तो चल रहा है हमारा डिनर ये। और आए थे हम विंग्स खाने, लेकिन हमें खानी पड़ी है मंदी, तो ये हम खा रहे हैं। और ये कुनाफा भी हम खा लेंगे, क्योंकि हमने बस इतना ही खाने लिया था, क्योंकि हमने विंग्स खा रखे थे। और हम खा रहे हैं कुनाफा। तो कुनाफे में क्या डला रहता है, सेवइयां बारीक वाली, और क्रीम बनाते हैं अंदर, वो डलती है क्रीम से ही, क्रीम बनाई जाती है, और लाइट सा मीठा होता है, और बिल्कुल क्रीम है इसके अंदर, बीच में क्रीम, ऊपर नीचे सेवइयां, ये इस तरह से बनती है। तो वो खा रहे हैं लास्ट में। और मंदी हमारी देखिए बच भी गई, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी तो अब वो हमने छोड़ दी थी। और हम खाते हैं एक से एक मंदी है यहाँ पर, कब से एक से एक अच्छे वाले हैं ऊपर में। तो देखिए रात के बिल्कुल 12 बजने को आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने थोड़ी देर बाद में खाना भी आता है ऑर्डर देने के, तो खा के हम बैठे हुए हैं, और थोड़ा बहुत कुनाफा बचा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में हम उसे खा लेते हैं। तो वो लाएंगे अभी बिल, जो कि होटल के जो काम करने वाले रहते हैं लड़के, तो उसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये रात का टाइम हो चुका है, तो होटल के मेंबर हैं वो बिल लाएंगे फाइल में, तो हम देखकर
और घर चले जाएंगे सीधा। तो ये थोड़ा सा ठंडा भी होता है, हल्का सा गर्म भी रहता है कुनाफा। क्रीम ठंडी ठंडी डालते हैं इसमें, ऐसा होता है कि अच्छा लगता है। तो जा रहे हैं हम घर को, देखिए बच्चों के लिए प्ले वो भी बना रखा था, उस पर गिरे तो लगे नहीं। और ये है हमारी गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी से जाया जाएगा रोड है बीच में। तो बस मिलते हैं हम आने वाले नए ब्लॉग में, तो जब तक चीजिए करिए इंतजार और दुआ मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।